नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ काफ़ी अच्छे वीडियोस आपको हर दिन मिलेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। जितने भी एंड्रॉयड यूज़र्स हैं जो कि फ़ोन चलाते हैं, मैं 5 ऐसे एंड्रॉयड की सेटिंग्स आपको दिखाने वाला हूं, जिसकी मदद से बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा और आपका जो है डेली का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। चलिए दोस्तों, पहली सेटिंग्स मैं दिखाता हूं। हम चलते हैं गूगल क्रोम पर। आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी जब भी हम किसी वेबसाइट को चलाते हैं, किसी पेज को ओपन करते हैं, वेब ब्राउजिंग करते हैं, तो बीच में ढेर सारे एड्स, ब्रेक्स और कहीं से भी कोई कंटेंट निकल आता है, कोई पॉपअप विंडो आ जाती है, उसे हम क्रॉस करते हैं, कोई कुकीज़ का मैसेज आ जाता है, हज़ारों नोटिफिकेशंस आते हैं अलाउ और ब्लॉक करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि जैसे हम कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ चलते हैं, टाइप करते हैं द हिंदू एडिटोरियल। मान लीजिए मैं हिंदू का कोई एडिटोरियल यहाँ से पढ़ने वाला हूँ, मैं इस एडिटोरियल पर जा रहा हूँ। अभी हम चलते हैं सबसे ऊपर जो लिखा है, बैक टू द फ्यूचर ऑन रिबाउंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों की जैसे ये पेज है, आप देख सकते हैं ये पेज में आपको देखिए ये काफ़ी सारे एड्स आ गए हैं कोविड से रिलेटेड, नीचे ये सब्सक्राइब के लिए ये सब आ गया है। हमें करना क्या है दोस्तों, हमें जाना है यहाँ जो 3 डॉट आप ऊपर देख पा रहे हैं क्रोम के राइट टॉप में, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों, हमें करना क्या है, यहाँ पर वो सेटिंग्स आपको नहीं दिख रही है, आप यहाँ शेयर बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप शेयर बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है दोस्तों प्रिंट का। आप जैसे ही यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे, देखिए ये प्रिंट पर क्लिक किया तो ऊपर दो ऑप्शन आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने अभी सेव एज PDF कर रखा है, यहाँ ऑप्शन में पहले में प्रिंटर आता है, लेकिन हमें प्रिंटर पर ना जाके हमें यहाँ से करना है सेव एज PDF। ये देखिए अभी ये पूरा पेज बिना एड ब्रेक के PDF में आ गया है 3 पेज पे। इसको आप जो यहाँ पर राइट में आपको बटन दिख रहा है PDF का, यहाँ से आप इसको क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये प्रिपेयर हो रहा है और ये आपका PDF जो है अभी बोल रहा है कहाँ पर इसको सेव करना है। मान लीजिए कैनवा नाम के फोल्डर के अंदर हमने जो है इसको सेव कर दिया है और ये यहाँ से दोस्तों सेव हो गया है। अभी हम आपको दिखा देते हैं, चलकर फाइल मैनेजर में चलते हैं। फाइल मैनेजर में रिसेंट में ही वो आपको दिख जाएगा जो PDF हमने बनाया है, और उस PDF को जो है अब आप बिना किसी एड ब्रेक के, देखिए ये आ गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये जो लिख रहा है 510 KB का, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये आ गया है बैक टू द फ्यूचर ऑन रिबाउंड ऑफ इंडियन इकॉनमी। दोस्तों अब आप इसको जो है बिना रोक टोक के, बिना एप्लीकेशन ब्रेक्स के और जितने भी पॉपअप मैसेजेस आते हैं उसके बिना इजीली आप इसको PDF के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पहली ट्रिक, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी ये ट्रिक। दूसरी ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ, ये तो लगभग जो है Gboard को सभी चलाते हैं, गूगल कीबोर्ड आप देखते हैं जिसमें हम हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कर पाते हैं और एक हम ग्लाइडिंग टाइपिंग भी उसके अंदर कर पाते हैं। उसमें मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए ये हमारे नोट्स हैं, नोट्स के अंदर हम गए, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ हैं फ्रीडम। अब फ्रीडम पर आने के बाद हम जो है FR से पहले आना चाहते हैं, तो हम जो है इसको एक एक करके ड्रैग करते हैं। अभी हमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए हम इंटरमीडिएटरी में हैं, हम ई से आगे आना चाहते हैं एम के बीच में, तो हम यहाँ करते हैं और इसको करने में बहुत दिक्कत आती है। अभी आपको करना क्या है, ऐसे में आपको सिर्फ करना है आपका जो स्पेस बार का बटन होता है जिससे हम स्पेस देते हैं, वहाँ पर अपना फिंगर रख के जो है आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ये देखिए ये आगे पीछे हो रहा है, देखिए एक एक इंस्टांस को जो है हम यहाँ से ईजिली कर पा रहे हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, जो आपका स्पेस बार होता है उससे आपको जो है इसको हल्के से लेफ्ट या राइट में स्लाइड करना है। ये देखिए आप राइट में स्लाइड करेंगे कर्सर राइट में जा रहा है, या आप लेफ्ट में स्लाइड करेंगे कर्सर लेफ्ट में आ रहा है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग जो है सेटिंग्स है Gboard का, इसका भी यूज़ करके आप जो है काफ़ी सारे अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग कह सकते हैं सेटिंग्स है। आप लोगों ने देखा होगा, ये वैसे तो बताना नहीं चाहिए लेकिन काफ़ी सारी इसमें नॉलेज भी छुपी हुई है। जैसे मान लीजिए आजकल लोग जो होते हैं अपने गैलरी में या फाइल मैनेजर में जो है आपने देखा होगा लॉक लगा कर रखते हैं, पासवर्ड डाल कर रखते हैं ताकि वो सेफ़ रहे। लेकिन कभी कभी मान लीजिए आप खुद भूल जाते हैं या आप चाहते हैं कि
मैं उसको नेक्स्ट टाइम याद नहीं कर पा रहा, तो मैं उसे अलग से कैसे एक्सेस करूं। तो दोस्तों इसका भी काफ़ी अच्छा फीचर है, हमें करना कुछ नहीं है, हमें चलना है हमारे क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद जो है दोस्तों हमें यहाँ पर टाइप करना है फाइल। फाइल टाइप करने के बाद हम लगाएंगे यहाँ सेमी कॉलन, सेमी कॉलन के बाद हम यहाँ लगाएंगे तीन स्लैश। ये हमने तीन स्लैश लगा दिए हैं। अब हम यहाँ लिखने वाले हैं दोस्तों एसडी कार्ड। जिसके फ़ोन में कार्ड है उसके फ़ोन में कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, जिसके में इनबिल्ट कार्ड नहीं है जो मेमोरी है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। आपको एक स्लैश और लगाना है, आप ये देख सकते हैं वीडियो को रिवाइंड करके बाद में आसानी से। फाइल सेमी कॉलन तीन आपको स्लैश लगाना है, एसडी कार्ड लिखना है, फिर स्लैश लगाना है और आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे दोस्तों ये देखिए इंडेक्स ऑफ एसडी कार्ड, ये मेरे मोबाइल फ़ोन का जो है आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर इंडेक्स खुल गया है। जितना भी गैलरी होता है एंड्रॉयड वगैरह ये सब आप देख सकते हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जो म्यूज़िक है, गाने हैं, फ़ोटोज़ हैं, देखिए ये सभी आ गए हैं। देखिए आप नीचे आप मूवीज़ भी देख सकते हैं, मूवीज़ आपको दिख रही हैं जो ओपन है। अभी हम चलते हैं, जैसे कि हमारा ये एक फोल्डर हमने ओपन किया है कैनवा, इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए इसके अंदर दोस्तों कितनी सारी PNG इमेजेस हैं, नीचे कुछ दो PDF भी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम इजीली दोस्तों इस जानकारी को भी निकाल सकते हैं, चाहे खुद के फ़ोन की भी या किसी के भी फ़ोन की भी। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटिंग्स थी, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अब जो चौथी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों, इसको आपको फॉलो करना है क्योंकि इसके लिए काफ़ी मेहनत की जाती है। आपको बस एक काम करना है, यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर जो है आपको हमारे टेक्नोलॉजी विद विवेक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप नए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं हम हर दिन ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जितना चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे आपको टेक्नोलॉजी के रिगार्ड्स काफ़ी बेहतरीन दिन ब दिन वीडियोस मिलते जाएंगे और आपके टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस भी जो है और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। दोस्तों एक पाँचवीं और यहाँ पर सेटिंग्स बची है, ये तो जोक सपाट था। पाँचवीं सेटिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका फ़ोन है वो जो है पानी में गिर गया है, पानी में चला गया है, बारिश में थोड़ा उसमें पानी चला गया है, स्पीकर्स में जब पानी चला जाता है तो हमें करना क्या होता है? क्योंकि मान लीजिए पूरी तरीके से आपका फ़ोन पानी में डूब गया है, अब आप चाहते हैं कि स्पीकर आउट वेंट जो होते हैं हमारे नीचे की ओर उनमें से पानी कैसे निकाला जाए, तो एक वेबसाइट है, हम क्रोम पर जाएंगे, एक वेबसाइट है। वेबसाइट पर जाने के बाद जो है दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लिखना है फिक्स माय स्पीकर। ये हम लिखेंगे फिक्स माय स्पीकर। इस वेबसाइट पर जाने के बाद जो है ये देखिए फिक्स माय स्पीकर ऊपर आपको जो दिख रहा है fixmyspeaker.com, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपने क्लिक कर दिया है दोस्तों, अभी जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा हुआ है क्लिक और टैप द बटन एवर टू एक्टिवेट ब्लोवर। ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक साउंड जनरेट होगा, यहाँ पर एक बीपिंग जनरेट होगी। उस बीपिंग को क्या होगा कि आपके जो फ़ोन के स्पीकर आउटवेंट है वहाँ से जो है एयर पास होगी और सारे जो ड्रॉपलेट्स हैं, बबल्स हैं, पानी की बूंदें हैं, ड्रॉप्स, उनको सब वो बाहर कर देगा। मैं अभी एक सेकंड के लिए दोस्तों अपना माइक एजेक्ट करता हूँ यहाँ से और आपको ये आवाज़ सुन पाता हूँ, देखिए। तो दोस्तों देखा आपने ये किस तरीके से बीप कर रहा था और ये पूरे वाटर ड्रॉपलेट्स को जो है इजेक्ट कर देता है आपके फ़ोन से और पूरी तरीके से स्पीकर आउटबैंड को जो है सुखा देता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो ये एंड्रॉयड की जो है सेटिंग्स आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप कमेंट के माध्यम से भी मुझे बता सकते हैं आपको और किस तरह के वीडियोज़ चाहिए, आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।